Yes, Michael. अब हम लोगों को इसमें बताना था सम ऑफ शेडेड पोर्शन। तो फर्स्ट हम देखें तो इसमें शेडेड पोर्शन कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 शेडेड पोर्शन है और टोटल हम गिन लेंगे कि टोटल कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 12 और प्लस ऐसे इसमें कितना शेडेड पोर्शन है 1, 2, 3, 4, 5 और टोटल इसमें भी हम देखें तो कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 8 + 5 = 13, 13/12। अब हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी 1/1/12 तो ऑप्शन फोर्थ होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा फोर्थ ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 27, इसमें क्या है व्हाट इज द वेट ऑफ 2 dozen बिस्किट्स इफ ईच बिस्किट ग्राम। ठीक है, एक बिस्किट 4 ग्राम का है और 2 dozen मतलब 1 dozen में कितने यूनिट्स होते हैं, 1 dozen में 12 यूनिट्स, 1 dozen में 12 यूनिट्स, 2 dozen मीन्स 24 बिस्किट्स। ठीक है, तो 24 में कितना हो जाएगा 24 × 4 ग्राम तो आंसर कितना आ जाएगा 96 ग्राम। ठीक है, 24 बिस्किट्स का, यहाँ 2 dozen का पूछ रहा था ना, तो 2 dozen का कितना हो जाएगा 24 यूनिट्स हो जाएंगे, 24 यूनिट्स। तो सेकंड में क्या आएगा 96 ग्राम मतलब फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स आर 5, 1, 8, 0, 3। इससे क्या बनाना है, सबसे छोटा 7 digit का पॉसिबल नंबर क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे छोटा डिजिट इसमें क्या है, 0 है, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो हम अगला क्या लेंगे 1 लेंगे और 5 है तो 1, 1, 1 को 2 बार हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद ये इसको हम ऑर्डर में लगाएं तो 0, 3, 5, 8। ठीक है, सबसे छोटा 0 है इसलिए यहाँ पर हम 0 को रिपीट करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digit का पूछा तो 1 0 और लगा लेते हैं, तो 1 के बाद 3, 0, 3, 5, 8 ये किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। इसमें भी क्या होगा फोर्थ ऑप्शन। 29 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 29 में क्या, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, पहला नंबर हमको दिया था 6, 9, 5, 2, 8, 1। ठीक है, इसमें अंडरलाइन डिजिट्स थी 5 और 1, तो इसका 5 का अगर हम प्लेस वैल्यू निकालें तो इसके बाद 3 digit है तो हम 3 0 लगाएंगे 5000 और 1 की प्लेस वैल्यू 1 आएगी, और दूसरा डिजिट था 5, 3, 4, 8, 5, 7, 3 इसमें अंडरलाइन डिजिट था 3 तो 3 की प्लेस वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 0s लगेंगे और 7 की, तो 7 की कितनी हो जाएगी 70। और क्या कह रहा था कि सारे प्लेस वैल्यूज का सम करना, तो हम सबका सम कर लेंगे 3, 1, 2, 3, 4, 5 + 5000 + 70 + 1 अगर हम सबका सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 305071 ये कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। 29 में कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमेट्रिकल अलोंग डॉटेड लाइन, पूछ रहा है कौन सा नहीं सिमेट्रिकल है। तो अगर हम देखें तो ए का ए की भी सिमेट्री लाइन बनती है। ठीक है, और ये नेक्स्ट फिगर आपको क्या है,
इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 सिक्स साइड्स होते हैं, तो सिक्स साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागॉन बोलते हैं। ठीक है, तो हेक्सागॉन में भी क्या बनती है, सिमेट्री लाइन बनती है। और अगर इसमें देखें तो इस फिगर में भी सिमेट्री लाइन बन जाएगी, हम यन में देखें। ठीक है, तो यन जो होगा इसमें अगर हम देखें तो यन में सिमेट्रिकल लाइन नहीं बन पाएगी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 30 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट ऑफ 5/7। 5/7 के इक्विवेलेंट कौन सा नहीं है, 15/21, 45/56, थर्ड है 25/35, फोर्थ है 10/14। तो अगर इसमें हम देखें कि कौन सा सिमेट्रिकल नहीं है, तो अगर हम सॉरी इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसमें हम देखें तो ये 3 से इनटू करेंगे, 5 3 15 और 7 3 21, दोनों इंटू करने पे ये आ जाएगा। इसमें अगर हम इसमें देखें तो अगर इसको 9 से इंटू करते हैं तो 9 5 45, और इसको 9 से इंटू करेंगे तो 9 7 63। इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमको क्या, इक्विवेलेंट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ 56 की जगह क्या होना चाहिए, 63 होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखें तो 32 में दे रखा है कि एक फिगर हमको दिया है। ठीक, ये फिगर दे रखा है, ये 25 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, और बीच में इसके दो छोटे छोटे पार्ट बनाए गए हैं, 4 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर, और एक ये स्क्वायर शेप में चारों साइड बराबर है, 6 सेंटीमीटर। इसमें पूछ रहा है कि शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, तो शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे आएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे पूरे की एरिया, तो 25 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसमें से इन दोनों की एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो अनशेडेड पोर्शन है, तो अनशेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, 4 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 6। अब हम इसका निकालेंगे तो 25 9 जा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इसको हम इंटू कर लेंगे तो 28 प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम ऐड करें तो 6 14 3 2 5 प्लस 1 6 64 225 माइनस 64। अगर हम 225 माइनस 64 करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 5 माइनस 4 1। ठीक है, 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 33 में 15 होल नंबर 1/25 को हमको डेसिमल में कन्वर्ट कर, इसमें जैसे कुछ वर्किंग वाले क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग देखते हैं क्या है, इसमें 15 होल नंबर 1/25 को डेसिमल में बदलना है। तो इसको हम डेसिमल में कैसे बदल सकते हैं, जो ये होल नंबर में है, ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट के पहले लिखेंगे, पॉइंट 1/25। अगर 1/25 को हमको डेसिमल बदलना है तो हम क्या करें, ऊपर नीचे 4 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 100.04, और इसको ले आके इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 04। आंसर आ जाएगा 15.04, मतलब सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 में व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 7 चेयर, एक चेयर का रेट दिया है 7642.45, और हमसे पूछ कितने का रहा है, 7 चेयर्स का पूछा है, तो हम 7 के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 53497.15, मतलब ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, 7 चेयर का कॉस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, इसमें वेबिनार हैज़ 3 इंटरवल्स ऑफ 5 मिनट। ठीक है, एक वेबिनार है जिसमें 3 बार इंटरवल होता है 5-5 मिनट का, तो व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल इन सेकेंड, 5-5 मिनट का 3 इंटरवल होता है, तो मतलब कुल कितना हो जाता है, 15 मिनट्स। और हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, 15 मिनट में 15 इंटू 60 कर लेंगे, 15 60 से इंटू करें कितना आ जाएगा, 900 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ऑयल टैंक कैन होल्ड 60 लीटर ऑफ ऑयल, एक ऑयल टैंक में 60 लीटर ऑयल आ सकता है, तो अनदर ऑयल टैंक कैन होल्ड थ्राइस एज मच एज, अगर एक में 60 आ रहा है और दूसरे में थ्राइस, का मतलब 3 से इंटू कर देंगे इसको, तो 3 से इसको इंटू कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा,
ठीक है 180 लीटर। और उसके बाद आगे क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ बोथ टैंक, दोनों टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये दूसरे वाले टैंक का है, ये सेकंड टैंक का है, तो हम फर्स्ट टैंक में कितना आ रहा था, फर्स्ट टैंक में आ रहा था 60 लीटर। अगर हम दोनों को जोड़ ले तो कितना आ जाएगा, 240 लीटर। 240 लीटर का मतलब आ गया ऑप्शन सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है, व्हाट इज द साइड ऑफ क्यूब, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम दे रखा है, तो साइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब रूट वॉल्यूम हो जाता है, क्यूब रूट वॉल्यूम होता है। और अगर हम 64 का क्यूब रूट निकालें तो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 38 में हम देखते हैं, तो इसमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, ठीक है, ये ऐसे हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक, तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, 6821, सेकेंड है 6812। ठीक है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा डिजिट, ठीक है, ये रहा, तो अगर ये सबसे बड़ा हो गया, ये क्या इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये किस में लिखा है, डिसेंडिंग में लिखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन हम देखें तो 9075, अगला है 7905। अब देखो यहाँ पर 9075, फिर यहाँ 79 लिख दिया गया और फिर 97 आ गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, 10529, 12,049, 12,509 और 15,249। तो इसमें हम देखें कि क्या बढ़ते हुए क्रम में है ना, सबसे छोटा है, फिर ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, एक फिगर दे रखा है, ठीक है, इसमें फिगर में क्या है, यहाँ पर सर्कल है, ये एरो है और ये रेक्टेंगल बना है और ये छोटा सा शेप बना है। अब उसके बाद फिर ये एरो भी यहाँ पे था, अब ये एरो कहाँ पहुँच गया, ऊपर चला गया, ठीक है, ये इधर मूव कर गया। अगर हम देखें तो इसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, ये इधर से ऐसे ऐसे और ऐसे ये मूवमेंट चल रही है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है ये जो सारी फिगर्स है इस तरह से। अब देखो ये एरो यहाँ पे पहुँचेगा, अगर ये एरो यहाँ पे गया तो सर्कल कहाँ शिफ्ट करेगा, इधर बगल में शिफ्ट कर गया, अब ये ट्रायंगल क्या होगा, नीचे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक, और ये जो इधर फिगर था ये इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर से वही जैसे ऊपर जिस मैनर में ऊपर जा रहा था उसी मैनर ही में फिर मूव करेगा, अब ये मूव करेगा तो इस बार ट्रायंगल कहाँ पहुंच जाएगा, इस बार ट्रायंगल यहाँ पहुंचेगा, सर्कल यहाँ पहुंचेगा, ये ट्रायंगल वाले फिगर यहाँ आएंगे और ये वाला फिगर, ठीक है, यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक। तो उसके बाद हमसे पूछ रहा था कि लास्ट वाले में क्या होगा। अब हम इसको देखो, ये मूवमेंट इसकी यही वाली थी, ठीक है, तो ये मूवमेंट हम फिर देखेंगे। अब क्या होगा, ये एरो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ठीक, किस फिगर में हम देखें कि एरो नीचे पहुँच रहा है, ठीक है, और एरो यहाँ पहुँचेगा, ये सर्कल यहाँ पहुँचेगा, ये ट्रायंगल इधर पहुँच जाएगा और ये वाला फिगर यहाँ आ जाएगा मूव करते हुए, ठीक है। ये देखें ये पोजीशन कहाँ पे बन रही है, ठीक है, तो ये पोजीशन हमको बन रही है पहले ऑप्शन में, ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखो इसमें क्या है, दो ट्रायंगल है और एक जो है ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि इन तीनों का सम किसके बराबर है, 420 के बराबर है। तो अगर हम इसको निकालें तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम तीनों का डिवाइड कर लें, ठीक है, अगर हम तीनों की वैल्यू यहाँ रखें और इसमें क्या करें कि इन दोनों का सम है और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट दिया है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हमको दे रखा है 90 के बराबर, तो इस केवल इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि केवल इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल ले जाए तो इसकी वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, ठीक है, एक मिनट रुको, उसको एक मिनट देखिए, इसको इसमें हम सपोज कर लेंगे ट्रायंगल को, हम मान लेंगे लेट ट्रायंगल इक्वल एक्स एंड ये सर्कल जो ये सेमी सर्कल टाइप में दिया हुआ है, ठीक है, पार्ट दिया है
इसको हम लोग y मान लेंगे, तो अगर हम इसको रखेंगे तो हो जाएगा x plus y equal 420, तो 2x plus y equal 420, और इस इक्वेशन को अगर हम इसमें अगर हम ले आकर रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा y minus x equal 90, और अगर इसको हम इक्वेशन बनाए तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 90। ठीक है, एक इक्वेशन हमको ये मिल जाएगा और दूसरा इक्वेशन हमको ये मिला रहेगा। अब हम दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x plus y equal 420 और माइनस x plus y equal 90। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस में होगा, इसको माइनस करेंगे 9 और ये 3 और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3x, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आ गई 110, जब x की वैल्यू 110 है तो हम किसी भी जगह पर रख करके निकाल लें, तो y माइनस x इक्वल क्या है 90 है, और y माइनस x की वैल्यू कितनी 110 इक्वल 90। ठीक है, तो y इक्वल क्या होगा 90 प्लस 110, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। और y हमने किसको माना था, y हमने माना था ये जो सर्कल की तरह बना था ये वाले फिगर को, अगर ये 200 आ जाता है तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, इसमें इफ द क्लासेस ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स स्टार्ट, अगर क्लास 8:35 AM पे स्टार्ट होती है, ठीक है, और एंड हो जाती है कितने पे, 1:45 PM पे, तो पूछ रहा है कि और नो ब्रेक्स, इसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ तो कुल कितने देर तक क्लास चली है। ठीक है, तो अगर हम ये निकालने जाएं तो ये पहले हम लोग ये निकालेंगे कि ये 12 बजे तक का समय कितना आएगा, तो 9 तभी ये AM से PM में चेंज हो गया है। तो हम देखें यहाँ 35 है, अगर हम देखें तो 60 होता है मिनट, 60 में से 35 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25, तो इसका मतलब 9 बजने में इसको हो जाएगा 25 मिनट्स, फिर 9 बजेगा तो फिर जो है 9 बज जाएगा, 9 से 10 एक आवर मतलब 1 आवर, ये होगा मिनट्स में, प्लस फिर 9 बजेगा तो 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 बजेगा तो 1 आवर, सॉरी 11 बजेगा, फिर 12, ठीक है, इस तरह से 1, और 1 बजने के बाद फिर ये 45 मिनट्स और ये चली है, तो ये सब आवर्स में हो जाएंगे और ये मिनट्स में। अब ये मिनट में है, इसको अगर हम आवर बदले तो हो जाएगा 60 मिनट 60 60 और 60, हम टोटल इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, प्लस इसको हम ऐड कर लें ये वाले को, तो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल 240 मिनट्स आएगा, तो 240 प्लस 45, अगर हम इन सब को जोड़ लें तो 5 + 5 = 10 1, 4 + 4 = 8 8 + 2 = 10 + 1 = 11 1, 310 मिनट्स क्लास कुल कितनी चली है, 310 मिनट्स चली, 310 मिनट्स का मतलब सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग यहाँ पर ऐड कर लिए थे 45, किसी को ऊपर लिखे हैं 25 + 240 + 45 = 310 मिनट्स, ये कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें है इफ 5 6 3 6 7 2 द प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स एट 10,000 प्लेस इज, तो पूछ रहा है कि 10,000 प्लेस पे जो सिक्स है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 वाले प्लेस पे जो सिक्स है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इज ब्लैंक टाइम्स ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 100 प्लेस, मतलब ये इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, अगर हम देखें तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000 आ जाएगी, और इसकी प्लेस वैल्यू 600, पूछ रहा है कितने टाइम्स है, तो ये सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे 60,000 को 600 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, मतलब कितने टाइम्स है 100 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं, 43 में है अनिल हैड 78.6 मीटर फैब्रिक विच वाज जस्ट एनफ टू मेक वन सेट ऑफ यूनिफॉर्म फॉर 12 स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि अनिल के पास, ठीक है, अनिल के पास है 78.6 मीटर फैब्रिक है, ठीक है, जिससे क्या बन सकता है, एक सेट कपड़ा बन सकता है, कितने स्टूडेंट्स को बन सकता है, 12 स्टूडेंट्स को, 12 स्टूडेंट्स को एक सेट कपड़ा बन सकता है, तो हाउ मच फैब्रिक वुड बी यूज्ड टू मेक वन यूनिफॉर्म, तो एक यूनिफॉर्म बनाने में
पूछ रहा है कितना फाइब्रिक यूज होगा, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे आपस में, हम इसको डिवाइड कर लेंगे 12 divided by 78.6। ठीक है, हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 6 या 72, माइनस कर लेंगे 6, यहाँ पॉइंट लगाए 6 आ जाएगा, 12 5 या 60, माइनस किए 6, फिर हमको एक जीरो मिल जाएगा 12 5 या 60। इस तरह से ऑप्शन क्या, आंसर क्या आ गया 6.55 मीटर। ये कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर 43 का कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, हम देखें ये ट्रायंगल बना है। ठीक है, ये ट्रायंगल सबसे पहले ऐसे खड़ा था, फिर इस पॉइंट को अगर हम एक पॉइंट इसको हम रिप्रेजेंट कर ले ए बी, ठीक है, इस पॉइंट को हम ले लेते ए, अब ये क्या हुआ टर्न कर गया, ये टर्न हुआ ए यहाँ पहुंच गया, फिर टर्न हुआ ए यहाँ पे पहुंच गया, तो अब हम देखें कि ये इधर टर्न नहीं हो रहा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से ये टर्न कर रहा है, तो फिर उसके बाद ये अगला किधर पहुंच जाएगा, ए यहाँ पे पहुंचेगा, ए यहाँ पे पहुंचेगा, तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, हम देखें ये वाला फिगर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में, मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, एन एथलीट फिनिशेस 400 मीटर रेस इन 48 सेकेंड। एक एथलीट है 400 मीटर की रेस 48 सेकेंड में खत्म कर देता है, तो कह रहा हाउ मेनी मिनट्स ही स्पेंड इन रनिंग इफ ही रैन 5 times। ठीक है, ये एक राउंड का है, अगर वो 5 times दौड़ेगा तो वो कितना हो जाएगा 2000 meter। ठीक है, 2000 meter वो दौड़ेगा, तो पूछ रहा कि कितना समय 5 times ऑन द सेम ट्रैक एट द सेम स्पीड, और अगर उसकी स्पीड भी सेम है, तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इसकी स्पीड ही निकाल लेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर और टाइम है 48 सेकेंड। अगर हम इसको जो है देखें तो ये आ जाएगा 400/48 meter/s। हम इसको यहाँ सिंप्लीफाई नहीं कर रहे क्योंकि हमको आगे फिर सिंप्लीफाई करना है, और अगर वो 5 बार दौड़ गया तो इस बार डिस्टेंस कितनी हो गई 2000 मीटर, और स्पीड तो सेम ही होगी, हम फिर टाइम निकालेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस है 2000 मीटर ओवर स्पीड है 400, ओवर 48 जाएगा तो ये 48 ऊपर जो है चला जाएगा, ये दो जीरो से दो जीरो हम काट देंगे, 4 second time 4 से 12 time कितना आ जाएगा 240 seconds। ठीक है, इसमें कितना लगेगा 240 seconds इसमें लगेगा। ठीक है, अब इसको इसमें देखो ध्यान देंगे, इसमें क्या दिया हाउ मेनी मिनट्स पूछ रहा है, ये सेकंड में आएगा, इसको मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 60 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 4 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 4 मिनट्स। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको हमको क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब, अभी एक क्वेश्चन पहले आया था असेंडिंग ऑर्डर का, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है बड़े से छोटे की ओर। तो हम इसमें देखें फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हम इसको ऑप्शन से ही देखेंगे, इसमें पहला ऑप्शन सेकेंड थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हम नोट कर ले रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन इधर लिख दे रहे हैं 10/9, 13/9, 5/9, 15/9 और 7/9। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि अब हमको क्या करना है उल्टा आना है, मतलब बड़े से छोटे की ओर आना है। इसमें अगर देखें तो हम जानते हैं जब ये अनलाइक फ्रैक्शन होता है, और अगर अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम हो, तो न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा माना जाता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको कहाँ लिखना है, सबसे पहले लिखना है, कि गलत लिखा पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में डिनोमिनेटर सेम है तब तो ये आसान हो गया, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा ये होगा, और सबसे पहले इसको लिखा जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन यहाँ पर
नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अभी अभी जैसे इसमें बताया ना, जब न्यूमरेटर सेम रहेगा तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा रहेगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा माना जाएगा। तो हमको लिखना क्या, पहले सबसे बड़ा वाला लिखना है, तो मतलब ये ढूंढे कि किसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा मतलब ये सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ये, तो उसके बाद ये होगा ये, इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 46 में कौन सा ऑप्शन होगा, थ्री, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, 47 में क्या, व्हाट मस्ट बी एडेड, मतलब 2.4624 में हम क्या ऐड कर दें, ये आंसर आ जाएगा 6.785, ठीक है। तो हमको यहाँ वाला नंबर निकालना है, यहाँ वाला नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, 4624, यहाँ एक कम है, एक जीरो हम लोग लगा लेंगे। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर इसको माइनस करेंगे, 6223.4, मतलब ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमको पता लगाना है। तो अभी हम लोग एक डिसेंडिंग ऑर्डर का जब क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें हमको क्या बताया गया था कि जो हमारा डिनोमिनेटर, अगर ऊपर न्यूमरेटर सब में सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, मतलब ये भी कह सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो किसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, ये वाले का, मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हो गया, 2/3, तो 2/3 का मतलब क्या हुआ, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहे हैं कि ना पर्टिकुलर ईयर, एक कोई साल है जिसमें 76,43,872 स्टूडेंट एक एग्जाम में अपीयर हुए, जिसमें से 42,37,602 गर्ल्स रही। तो पूछ रहा है इसमें बॉयज कितने थे, ठीक है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13-7 6 आ जाएगा, 0 6-2 4 ये आ जाएगा 34,56,270, मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम देखें तो थर्ड ऑप्शन होगा 34,06,270, ये थर्ड ऑप्शन में है। हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, इसमें दे रखा है एरिया दे रखा है, ठीक है, इसका एरिया दे रखा है 240 square centimeter, लेंथ और ब्रेथ हमसे पूछ रहा है किसके अकॉर्डिंग, हमसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। हम ये देख लेंगे किस ऑप्शन में लेंथ और ब्रेथ को, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो किसमें देखेंगे कि लेंथ और ब्रेथ को इंटू करने पे 240 आ जा रहा है, ठीक। अगर हम पहला ऑप्शन लें, पहला ऑप्शन लें तो क्या है, 19.2 × 12.5, इन दोनों को इंटू करें, ठीक है, तो इन दोनों का इंटू करने पे क्या 240 आएगा। ऐसे हम लोग सेकंड ऑप्शन लेते हैं, तो इसमें क्या है 16 × 15 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखें, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हम देख रहे हैं 54 × 5, ठीक है। ऐसे हम अगला ऑप्शन देखेंगे, तो अगर हम इसमें देखें तो इसको इंटू करने पे थर्ड ऑप्शन को 5 × 4 = 20, 2 × 5 = 25, 26 × 27 = 270 आ रहा है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन इसमें दे रखा है 32 × 7.5, ठीक है, इसको इसको इंटू करके देख ले तो ये हो जाएगा 15 6 90 0, कह रही है 9 15 1 15 15 + 9 24, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन में, मतलब 50 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे इसको इंटू कर लेंगे तो इसमें भी आ जाएगा 240, और इसमें इंटू कर रहे हैं तो 240, देखो सब में 240, तीन में 240 आ रहा है, एक में नहीं आ रहा। अब हम ऑप्शन क्वेश्चन देखते क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ऑप्शन पूछ रहा कौन सा इनकरेक्ट है। देखो इन तीनों में क्या आ रहा है, 240 240 और 240, एक केवल तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें नहीं आ रहा, ठीक है, जिसमें क्या है 270 आंसर आ रहा है। इसका मतलब 50 में कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, 51 में क्या है, 6/8 / 3/2 × 4/5, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बदमाश का यूज़ ज़रूर करेंगे, ठीक है।
अगर उसमें देखें तो सबसे पहले हमारा डिवाइड होगा, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फोर सेवन टाइम टू टाइम, थ्री सेवन टाइम टू टाइम, ये टू से टू कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, टू ओवर फाइव। टू ओवर फाइव का मतलब फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द वैल्यूज 127 इंटू 15 किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ब्लैंक इंटू 15 प्लस ब्लैंक इंटू 15 किया जा रहा है, तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एम इक्वल 100, ठीक है, ये यम हमको दिया है, ये एन दिया है, ठीक, तो यम इक्वल 100 और एन इक्वल 15, अगर इन दोनों का हम सम करें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो कितना आ जाएगा, 115, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा अगर हम देखें तो यम इक्वल 120 और एन इक्वल 15, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखें, एम इक्वल 15, एन इक्वल 27, ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें भी क्या है, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 7 + 5 = 12, 1 और 2 + 1 = 3 + 1 = 4, 45 भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन हम देखें, m इक्वल 100, n इक्वल 27, इन दोनों को ऐड करें क्या आ जाएगा, 127 आ जा रहा, मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ, मतलब 52 में कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 52 में फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, ठीक है, 53 में एक फिगर दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि 3/7 को कौन क्या रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसमें हम देखें तो इसको हम गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अब इसमें कह रहा है कि कितने पार्ट को अगर हम शेड कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा, 3/7 के बराबर होगा, और टोटल कितना है, 14 है, मतलब 7 को किससे इंटू किए होंगे, 2 से, तो 3 को भी 2 से इंटू कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 6, 6 का मतलब कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछ रहा है हाउ मेनी एक्यूट एंगल, ये हमको फिगर दे रखा है और इसमें पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने एक्यूट एंगल बनेंगे, तो देखो कितने एक्यूट एंगल यहाँ पर बनेंगे, तो कितने एक्यूट एंगल बनेंगे, ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने एक्यूट एंगल बन रहे हैं इसमें, 6 एक्यूट एंगल बन रहे हैं, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, 55 में है, ठीक है, 1,28,400 पेंस आर पैक्ड इन 152 कार्टन्स, ठीक है, 150 पेंस को कितने, इतने पेन को कितने कार्टन में पैक किया गया है, 150 पेन ईच कार्टन में, ठीक है, ईच मतलब एक कार्टन में, एक कार्टन में 150 पेन पैक किए गए हैं, तो पूछ रहा है इतने पेन पैक करने के लिए कितने कार्टन्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो एक में अगर इतना आता है, इतने पेन्स आ जाते हैं तो इतना, तो इन दोनों को हम लोग आपस में क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, इसको हम डिवाइड करें, 128,400 को 150 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 846 आ जाएगा, 800, इसको डिवाइड हम कर लें तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 15 से इसको काटेंगे तो 15 8 जा, ठीक है, 120, तो यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है, 8 आएगा, फिर 4 उतारेंगे तो 15 5 जा 75, हम माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 14, 9 हो जाएगा 0, 15 6 जा 90, 856 आ जाएगा, 856 का मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, 856 का मतलब 50। क्वेश्चन नंबर 56 में त्रिशा वेट्स 42 kg, ठीक है, 42 किलो की, और कायरा 39.5 kg की है, ठीक है, और पूछ रहा है कि डियर टोटल वेट, तो उनका कुल वेट कितना होगा, इसको हम ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा kg, 5, 9 + 2 = 11, 4 + 3 = 7, 81.5 kg। अब इसमें हम ऑप्शन में देखें तो सब ऑप्शन ग्राम में है, जिसको भी ग्राम में बदल लेते हैं, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो 81.5 × 1000
ग्राम, तो इसको हम लोग इंटू कर लेंगे तो हो जाएगा 81.5 के बाद दो जीरो और लग जाएगा, इतना होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं। ठीक है, अब अगर ये टाइम एट दे रखा है, यहाँ 12 है, पी है, 6 है और 9 है, इसमें कितना बज रहा है, कह रहा है कि बाय द मिनट हैंड एंगल बनाना है, मिनट हैंड जब 2:30 होगा। ठीक है, तो 2:30 का मतलब क्या होगा कि ये जो मिनट हैंड होगी वो 2 पे होगी। ठीक है, और ये सॉरी आवर हैंड 2 पे होगी और मिनट हैंड किस पे होगी, 6 पे होगी। ठीक है, तो ये 6 पे होगी, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एंगल बनेगा, तो ये कौन सा एंगल बनेगा अगर ये 2:30 हो रहा है। ठीक है, तो 2:30 होने पे इसमें कौन सा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब इसमें सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखते हैं। 58 में अ डीलर हैज 50 टेबल्स। ठीक है, 50 टेबल्स कितने का खरीदता, 4,570 फॉर, अब ये ईच टेबल का दिया हुआ है। ठीक है, ये एक टेबल का रेट दे रखा है और खरीदा कितना है, 50 खरीदा है। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है कि 9 टेबल्स गॉट डैमेज इन ट्रांसिस्ट, ही सोल्ड रिमेनिंग 5,000 ईच। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे उसको 50 टेबल का कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो 50 टेबल के लिए इसको क्या करेंगे, 50 से इसको इंटू कर लेंगे, ये आ जाएगा 0, 0, 7, 5, 35, 3, 5, 3, 15, 25, 25 + 3, 28। ठीक है, 2, 5, 4, 22, ये आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 9 गॉट डैमेज, 9 उसमें से क्या हो गए, खराब हो गए, तो 50 में से हम 9 माइनस कर देंगे, कितना टेबल बचा, 41 टेबल्स बचे हैं। अब उसमें क्या कह रहा है, इसको कितने पे बेचता है, एक टेबल बेचता है 5,000 का, तो 41 कितने का बेचेगा, 41 × 5,000। ठीक है, तो ये 3 0 ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 20। ठीक है, 2,05,000 आ जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो इसमें क्या हो रहा है, इसको ये खरीदा है, मतलब इसके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये बेचा है, ये एसपी है, तो उसको क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है ही वॉज एबल टू रिकवर, he was able to recover the cost of damaged table, he made a profit of 25,000। अगला है he incurred a loss of 23,500। अगर हम इसमें देखें तो इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस का फार्मूला क्या होता है, CP माइनस ESP, तो CP इसकी कितनी है, 2,285,000, और इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा 502, माइनस कर लें 0,05,32। ठीक है, कितना आ गया, 2,350,000, इसको लॉस हो रहा है, मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट सही, इसमें तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 58 में तीसरा स्टेटमेंट सही। देखो क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। आई एम अ 5-डिजिट इवन नंबर, कह रहा मैं 5-डिजिट का इवन नंबर हूँ। ठीक है, 5-डिजिट का इवन नंबर हूँ और आई हैव 9 एट माय 10th place, ये 1st place है, 10th place पे क्या है, 9 है। द डिजिट एट 10,000 place, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, मतलब ये वाला प्लेस, 10,000 place इज 3 less than द डिजिट एट 10th place, जो 10th place पे डिजिट है इससे क्या है, 3 less है। 3 less का मतलब क्या है, 9 - 3 मतलब यहाँ 6 है। ठीक है, अब करा द डिजिट एट 100th place, 100th place पे जो डिजिट है, अब ये वाले की बात कर रहा है, 100th place वाले की। ठीक है, 100th place इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट 10,000 place, 10,000 place पे जो डिजिट है उसका हाफ है, तो मतलब यहाँ कितना है, 3 है। ठीक है, 6/2 है। फिर आगे क्या कह रहा है कि द डिजिट एट द 1,000th place इज डबल द डिजिट ऑफ 1th place, जो 1,000th place पे, ठीक है, 1, 10, 100, तो एक मिनट फिर इसमें देखते हैं, द डिजिट एट 100th place इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000, द डिजिट एट 1,000th place इज डबल एज द डिजिट ऑफ 1th place, जो 1th place पे डिजिट है उसका क्या। अब हम ऑप्शन के हेल्प से यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये क्या बन रहा है, 3, 9, और लास्ट में इवन नंबर को ही बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें 3, 9 सब पे बन रहा है इवन नंबर, तो हमारा थर्ड ऑप्शन ऐसे ही नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता है, और उसके बाद क्या है, हम लोग पहला ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो 6, 8, 4 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। अब हम सेकंड ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो क्या है, 6, 8, 4, 9,
ठीक है, फोर है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, मतलब यहाँ पे थ्री होगा तब सही होगा, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 6 1 3 9 2, ये ऑप्शन को देखें, ठीक है, तो 3 9 2, ठीक है, ये ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन अगर हम देख लें तो 6 4 3 9 1, तो इवन नंबर कह रहा, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देखें 6 8 3 9 4, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो भी यहाँ पे, जो यहाँ पे डिजिट होगा, ठीक है, वो इसका क्या होगा, दो गुना होगा। द डिजिट एट 1000 प्लेस इज डबल ऑफ द वंस प्लेस, जो वंस प्लेस का डिजिट है उसका दो गुना यहाँ लिखा जाएगा। तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है, अब वंस प्लेस पे डिजिट कौन सी है, टू है, तो टू का दो गुना है, हो सकता है वन नहीं हो सकता, ये भी गलत है। और यहाँ देखो फोर का दो गुना क्या होगा, टू होगा, मतलब ये जो है टू टाइम्स ही आपस में बने हुए, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ क्या होगा एट होगा, यहाँ क्या होगा फोर होगा, मतलब ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में दे रहा है एलसीएम और एचसीएफ का क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रहा है, वन नंबर दिया, अदर नंबर पूछ रहा है, तो अदर नंबर का फॉर्मूला लगा दे, सिंपल है, एलसीएम इंटू एचसीएफ ओवर वन नंबर, ठीक है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम दिया 322 ओवर वन नंबर 23, ठीक है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लें तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 आ जाएगा, ठीक है, 23 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 14 मतलब कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे डिवाइड करके देख लोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन टाइम 23 माइनस करेंगे 0 1 1, ठीक है, 23 से, ठीक है, इसको हम लोग ले जाएंगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, 4 3 12, 1 4 2 8 9, 4 2 8 सॉरी, इसको 23 को 322 से, ठीक, तो 1 टाइम ये जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12 9 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब 23 से कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, 4 3 12, 1 4 2 12 9, ठीक है, तो 92 आंसर कितना आ गया, 14 आ गया, यहाँ पे कितना होगा 14, मतलब कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, 61 में वाटर इमेज कह रहा है, देखो मिरर इमेज जब कभी भी बनती है तो वो लैटरली इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, अगर आप देखो तो मिरर इमेज जो होती है वो लैटरली इन्वर्टेड बनती है, और जो वाटर इमेज बनती है वो उसका जस्ट उल्टा बनेगी, जैसे SEARCH, अगर इसका मिरर इमेज होता तो ये ऐसे उल्टा उल्टा होके लिखा होता, मतलब ये ऐसे लिखा होता, ठीक है, ये कौन सी इमेज हो जाती है, इसकी मिरर इमेज हो जाती है, ठीक है, ये उल्टा ऐसे करके लिखा होता है, ये मिरर इमेज है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, ये कौन सी इमेज है, मिरर इमेज है, लेकिन हमको मिरर नहीं लिखना, हमको क्या लिखना है, वाटर लिखना है, तो वाटर इमेज में क्या होगा, वाटर इमेज में इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो यस अगर हम उल्टा लिखेंगे तो ऐसे यस ही रहेगा, ठीक है, सर ये यस जो है इस तरह से कुछ बन जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो कुछ इस तरह से ई बनेगा, ए ऐसे बनेगा, ठीक है, आर ऐसे बन जाएगा, सी और एच, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछ रहा है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 2/5 का अगर हम डेसिमल में बदलें, 2/5 को डेसिमल बदल लेंगे, इसको ऊपर नीचे 2 से इंटू कर लेंगे, 4/10 मतलब 0.4, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, ट्रिपल सी मतलब हो गया 100, ठीक है, देखो यहाँ पे 3C XC, 3C का मतलब हो गया 100 और XC का मतलब क्या हो गया, 90 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 190 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें प्लस करना है, ठीक है, प्लस करना है LIX मतलब 50 और ये 9 हमको जोड़ना है, ये 9 9 प्लस 5 14 249, तो 249 हम किसको लिख सकते हैं, ठीक है, 249 इसमें बच जाएगा, एक मिनट सॉरी 300 है, तो यहाँ बनेगा 390, ठीक है, तो 390 बन जाएगा और ये बनेगा 59, इसको हम जोड़ लेंगे, 9 प्लस 5 14 1, 449 आएगा, 449 का मतलब आ जाएगा CDXLIX, मतलब कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 देख,
क्वेश्चन नंबर 62 एक बार हम फिर से करेक्ट कर लेंगे, 2/5 का हम डेसिमल में करेंगे 0.4। नेक्स्ट पूछ रहा 1.147 और 1.039, जिसमें ये कह रहा है ये बड़ा है, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है 5.862 और 5.9, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये 5.9 मतलब ये भी सही है। अगला 3.21 इज ग्रेटर देन 3.222, ये ऑप्शन रॉन्ग है, इसमें देखो एक मिस्टेक हो गई थी, ठीक है सॉरी फॉर उसके लिए सॉरी, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा था, करेक्ट ऑप्शन नहीं पूछ रहा था, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा था, ठीक है। ये तीनों करेक्ट है, ये ऑप्शन क्या है रॉन्ग है, मतलब इसका आंसर क्या होगा फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, इसको राउंड करना है 7, 3, 4, 8, 5, 6, 1 को नियरेस्ट 100, 1 to 100 इसके खिलाफ राउंड करना। अब इसको राउंड करना है जिसके बगल वाला डिजिट देखेंगे 4, 5 या 5 से ज्यादा है, तो अगर ये ज्यादा होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं एक बढ़ा देते हैं 7, 3, 4, 8, 5 की जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसके आगे 00, ठीक है। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 मिलियन, ठीक है 3 मिलियन में हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है क्या माइनस कर दें। तो 3 मिलियन पहले लिख लेते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 3 मिलियन में कितना हमको माइनस करना है, ठीक है 8, 4, sorry, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 1, इसको हम लोग क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 0, 2, मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा सेकंड ऑप्शन 65 में, सेकंड ऑप्शन। 66 देखते हैं, श्रेया है 32 पेन्स, ठीक है श्रेया के पास 32 पेन है और 56 ब्लू पेन है, 32 रेड पेन है 56 ब्लू पेन है, तो पूछ रहा है कि सी मेक अ पैक ऑफ इक्वल नंबर, अब वो पैक बनाती है और पूछ रहा है सबसे बड़ा पैक होगा, सबसे बड़ा पैक के मतलब इसका SCF निकालेंगे, SCF निकालेंगे तो ये वन टाइम जाएगा माइनस करेंगे 24 32 से, फिर वन टाइम जाएगा इसको माइनस करेंगे तो 12 8 और 8 3 24, ऑप्शन SCF कितना आया, SCF आया 8, मतलब आंसर क्या होगा इसका 8 का मतलब सेकेंड ऑप्शन इसमें सही होगा, 66 में कौन सा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है 66 में सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर, 1 मीटर का दाम दिया है कितना रुपए, ठीक है 215 रुपीज़ दे रखा है। पूछ रहा है कि अगर एक पार्क है जिसकी लेंथ ब्रेड दी गई है, फेंसिंग का मतलब क्या होता है उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × length + breadth, ठीक है तो 2 × 45 + 23 हो जाएगा 2 × 5 + 3 = 4 + 2 = 6 हो जाएगा 8 × 16 = 1, 6 × 12 = 1, 136 आ जाएगा, 1 मीटर का 215 रुपए, तो 136 मीटर का 136 × 215, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 67 में मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लें 136 × 215, ठीक है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है इन दोनों को हम इंटू कर लेंगे, इन दोनों को इंटू करने पे कितना आ जाएगा 29240, ठीक है मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे इसको इंटू करेंगे 29240 और इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में, क्वेश्चन नंबर 67 में कौन सा ऑप्शन आएगा फर्स्ट ऑप्शन आएगा 29240 रुपीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, 68 में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमसे पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 × base × height, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि बेस इसमें दे रखा है 12 और क्या है हाइट इज ट्वाइस द बेस, हाइट क्या है बेस का 2 गुना है, ठीक है तो 2 गुना कर देंगे 24 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, इसको इंटू कर लेंगे इतना आ जाएगा 144 cm², मतलब कौन सा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, कह रहे हैं रमन स्टार्टेड अ जर्नी 4 hours before समीर, रमन अपनी जर्नी 4 घंटे पहले समीर से शुरू करता है, अगर समीर 2:15 PM पे जर्नी स्टार्ट कर रखा है तो पूछ रहा है कि 4 hours पहले 4 घंटे पहले, 4 घंटे पहले अगर इसमें आप निकालोगे तो इसको पहले 12 hours क्लॉक वाइज में हम चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 14-15 hours हो जाएगा, ठीक है और उसके बाद फिर इसमें हमको 4 hours पहले जाना है, तो 4 hours पहले जाने के लिए इसमें क्या करेंगे 4 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है 4 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
चार इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, चार इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 0400 आवर्स। ठीक है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10:15 आवर्स, और इसको हम टाइम में बदल लेंगे तो 10.15। अब देखो ये 12 बजे के पहले जा रहा है, जिसका मतलब 10:15, 12 बजे के पहले यहाँ पीएम था, यहाँ क्या बदल जाएगा एएम बदल जाएगा 10:15 AM। ठीक है, अब इसमें आंसर में वैसे भी 10:15 आवर्स दे रखा है तो यही ऑप्शन हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर 69 में कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, पूछ रहा है 76 लाख 4000। ठीक, उसके बाद 4883 और पूछा 83, इसको कैसे लिखेंगे और इंटरनेशनल में लिखना है। ठीक है, इन इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने का मतलब क्या है कि कॉमा कितने के बाद लगेगा, तीन तीन के बाद, तीन और फिर तीन के बाद कॉमा, यही लिखा जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। देखो 71 बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या है, हमको ग्राफ बना के दे दिया गया है। ठीक है, हम ग्राफ अगर ड्रा कर ले तो इसके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये हम ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे है 0, ये है 5, 10, 15, ठीक है 20 और एक और है ऐसे ऊपर 25। ठीक है, हम इसमें देखें, पहला ग्राफ हमारा 15 तक गया है, दूसरा वाला 10 और 15 के बीच में गया है, ठीक है, तीसरा वाला 20 से ऊपर तक गया है, ठीक है, ये हम देखें 25 का ये है। ठीक, हम ये ऐसे देख ले, 20 का ये हो जाएगा, ये 15 का हो जाएगा, ये 10 का और ये 5 का, और एक ये लास्ट जो है 15 से हल्का सा ऊपर, मतलब ये ऐसे गया है। अब इसमें देखो सारे क्वेश्चंस इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएंगे, इसी ग्राफ से। ग्राफ का क्वेश्चन बहुत आसान हो इसमें दे रखा है, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, सारे क्वेश्चन इसी ग्राफ से ही सॉल्व होने हैं। हम देखते हैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 71, 71 में क्या दे रखा है, 71 में पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज पेंटिंग ब्लैंक मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज थिएटर। ठीक है, ये किसका है, ये है डिबेट का, ये डिबेट का है, ये किसका है, थिएटर का है। ठीक है, ये स्विमिंग का है और ठीक है एक और ऐसे बना हुआ है इसी के बीच में। ठीक है, इससे ये वाला थोड़ा सा ऊपर, ये वाला थोड़ा सा नीचे बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये एक लास्ट वाला किसका दिया है, पेंटिंग का दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से निकालें, 71 में पूछ रहा है कि पेंटिंग में, हु चूज पेंटिंग, पेंटिंग कौन चूज करता है, ब्लैंक पेंटिंग इज ब्लैंक मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज थिएटर। ठीक है, थिएटर जितने लोग चूज करते हैं, ठीक है, उससे मोर स्टूडेंट कौन किसका चूज करते हैं, पेंट का चूज करते हैं। इसमें पूछ रहा ऑप्शन क्या बनेगा, देखो ये करेक्ट 15 पे है तो 15 ही मान लेंगे। ठीक है, ये लगभग 10 और 15 के बीच में है। ठीक है, तो इसको हम लोग कितने के बराबर लगभग मानेंगे, 12 के, और ये 20 और 25 के बीच, तो हम कितना सपोज कर ले रहे हैं, 22 है। ठीक, और इसको हम डांस को कितना रखेंगे, 18, और इसको रखेंगे 16, तो मतलब कितना ज़्यादा है। ठीक है, थिएटर से देखें पेंट कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 का मतलब कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखें, तेरा व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड 5, ग्रेड 5 में कुल कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स पूछ रहा है, तो सबको क्या करें, जोड़ डालें, 15 + 12 + 22 + 18 + 16। ठीक है, तो इसको सबको हम जोड़ डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 8 + 6 14 14 + 2 16 16 + 2 18 18 + 5, ठीक है 13, ये 3 कैरी अवे 1 जाएगा, फिर से 1 1 2 1 3 3 + 2 5 1 6 1 8, 83 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 83 का मतलब सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, 73 में है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन टू लीस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज। ठीक है, दो सबसे कम पॉपुलर कौन सा है, थिएटर और पेंट, तो थिएटर में 12 और पेंट में 16, दोनों को जोड़ लें, कितना आ जाएगा, 28
8 आ जाएगा, 28 का मतलब कितना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट चूज डांस, डांस कितने लोग चूज किए हैं, 18 लोग चूज किए हैं, 18 का मतलब सेकंड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 और ये लास्ट है, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट चूज स्विमिंग एज कम्पेयर टू डिबेट, स्विमिंग को कितना ज्यादा डिबेट से चूज किए हैं, तो 22 माइनस 15 कर दो, डिबेट का 15 है, इन दोनों को अगर हम माइनस कर लें, इनको हम माइनस करेंगे तो ये माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 12 माइनस 5 7, 7 का मतलब क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये पेपर पूरा मैथ्स का सॉल्व हो गया, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।